हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है एक और नए वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। आज हम मंदिर जा रहे हैं, शनि मंदिर। आज सैटरडे इसलिए मंदिर जा रहे हैं। फिर मंदिर पहुंच के आपको मंदिर दिखाएंगे। मंदिर पहुंच के आपसे मिलते हैं। मंदिर आ गई है। अब मैं पहले देवी माँ का मंदिर दिखाती हूँ आपको। ये देवी माँ का मंदिर है। यहाँ हम जब व्रत रहते हैं नवरात्रि में तो यही पूजा करने आते हैं। ये मंदिर है। ये देखिए, अभी आंटी में भी वो प्रसाद चढ़ा रही है। अभी हम लोग बाहर जाएंगे तो हम लोग आपको बाहर की लोकेशन दिखाएंगे। बस चढ़ा रही है, चढ़ा ले फिर बाहर चलते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। जब हम लोग व्रत वगैरह रहते हैं तो हम लोग यहीं पे आते हैं पूजा करने। 9 दिन भी आते हैं नवरात्रि में। चलो हम लोग बाहर चलते हैं, आपको बाहर भी बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग को बाहर की लोकेशन दिखाएंगे। ये देखिए, चलते हैं। अब मैं शनि मंदिर जा रही थी। देवी माँ का मंदिर भी है, शनि मंदिर भी है, तो मम्मी जाती हैं। वैसे हर शनिवार को मम्मी जाती हैं। आज मम्मी ने बोला कि तुम सुबह साथ चले जाओ, प्रसाद चढ़ाओ। मैं कहा ठीक है, जाते हैं। मैं मंदिर आए थे, मंदिर वहाँ पे गांव के लोग थे इसलिए वीडियो भी नहीं बना पा रहे थे सही से। पिंसु फ़ोन पकड़े थे। मैं कहा पिंसु, बोला पिंसु फ़ोन पकड़ लो, हम पूजा कर लेते हैं। गांव के लोग थे इसलिए अच्छा भी नहीं लगता है। सभी लोग बोलने लगते हैं कि फ़ोन लेके हम पूजा भी करनी थी। हम पूजा कर रहे थे तब तक तनु तनु और युग भी गए थे। तनु युग खेल रहे थे। पिंसु ने बोला कि हम फ़ोन पकड़ लेते हैं, आंटी आप पूजा कर लो। तो मैं पूजा कर रही थी, कुछ बोल रही थी पिंसु, वो तनु बोल रही थी पिंसु से, कहाँ से आ रही थी, मैं पूजा कर रही थी। ये मंदिर गांव में है, गांव के बाहर है मंदिर। ये मंदिर अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं ये मंदिर बना है। पहले देवी मंदिर, देवी माँ का मंदिर तो बहुत पुराना है, बहुत दिन से ये मंदिर है। मैं पहले भी आती थी, मेरी बुआ का घर है इसी गांव में, तो बुआ के यहाँ आते थे। मंदिर ये बहुत पुराना है। ये शनि मंदिर बाद में बना है। उससे वहाँ पे जब व्रत रहते हैं नवरात्रि में तो पूजा करने जाते हैं, वहीं पर जवारे चढ़ाए जाते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर भी हैं, उनमें भी प्रसाद चढ़ाते हैं। पिंसु से मैंने बोला फ़ोन पकड़ लो, मैं प्रसाद चढ़ा देती हूँ, तो प्रसाद चढ़ा रहे थे। ये छोटे छोटे से मंदिर बने हैं। तनु युग भी बैठे थे, दोनों आए थे साथ में। आज की छुट्टी थी स्कूल की, बोले मम्मा मैं भी चलूँगा। मैं ठीक है चलो। युग तो बहुत शैतान है, कहीं भी जाओ साथ चल देता है, बोलता है कि मैं भी चलूँगा। मैं ठीक है चलो, मंदिर जाना अच्छी बात है। पिंसु के साथ आए थे, मम्मी से बोला तो मम्मी चलो, मम्मी बोले कि घर पे कोई नहीं है, पिंसु के साथ चले जाओ। तो पिंसु के साथ ही आए थे। ये मंदिर है, नीम का पेड़ है, यहाँ देवी का मंदिर है। ये यहाँ भी प्रसाद चढ़ाया जाता है। ये गाँव में मंदिर तो बहुत सारे हैं, बहुत मंदिर हैं। ये पुराना मंदिर है, यहीं पर शनि मंदिर बन गया। पहले देवी मंदिर था ये, अब शनि मंदिर भी बन गया है। यहाँ अच्छा लगता है, लेकिन गांव के लोग थे वो सामने, तो फिर ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते थे, वीडियो भी नहीं बना सकते थे। पिंसु को मैंने फ़ोन दे दिया था, मैं पिंसु बना लो, बोल सकते नहीं थे उनके सामने, बोलते वीडियो बना रही है। यहाँ ये गेट है सामने, इधर अभी आपको और दिखाएंगे। बहुत अच्छा लगता है मंदिर, कोई सा भी मंदिर हो, किसी भी मंदिर में जाओ, मंदिर जाके अच्छा ही लगता है। ये देखो शनि मंदिर है सामने, अच्छा लगता है यहाँ के। अभी आपको पीछे का भी दिखाएंगे, पीछे मंदिर के पीछे
अभी सर्दियों में बहुत सारे फूल लगते हैं, अब बरसात का टाइम है, अभी पेड़ लगेंगे, फिर सर्दियों में बहुत सारे फूल हो जाते हैं। मंदिर पे आओ ना तो अच्छा लगता है। शनिवार मंदिर तो शनिवार को मम्मी जा आती हैं, हर शनिवार को मम्मी आती हैं दीपक जलाने के लिए, हर शनिवार आती हैं। ये देखो बाहर से मंदिर अच्छा लगता है, यहाँ पर बहुत पुराना मंदिर है ये। अभी आपको पीछे से दिखाएंगे, इधर इधर ही पेड़ लगा दिए जाते हैं, अभी नहीं लगाए गए हैं, इधर लगा देते हैं। अब तो बाउंड्री हो गई, पहले बाउंड्री नहीं थी यहाँ पे, पहले सब खुला था यहाँ पे, ये अब तो बाउंड्री कर दी गई है क्योंकि पेड़ नहीं फिर हो पाते हैं। अब तो फूल के पेड़ हो जाते हैं, बहुत सारे फूल भी, अब अच्छा लगता है यहाँ पे। गांव के लोग थे इसलिए बोल तो सकते नहीं थे, बोलते वीडियो बना रही हैं क्या कर रही हैं। और बादल भी हो रहा था, और बारिश होने लगेगी नहीं। घर चलते हैं, फिर घर चल के मिलते हैं। मैं घर आ गई, अब बारिश होने लगी थी, मंदिर गए वहाँ पे, वहाँ थोड़ी देर रुक भी नहीं पाए थे, बारिश होने लगी थी फिर चले आए। देखो बारिश हो रही है, धूप है फिर भी बारिश हो रही है। हल्के से भीग भी गए थे, मंदिर गए, बारिश होने लगी वहाँ जाके। ये देखो पिंसो क्या खा रही, चने खा रही है। मैं तो मंदिर वहाँ पे गए इतने दिन बाद तो गए, मैं कहा चलो मंदिर चलते हैं, वहाँ जाके वहाँ थोड़ी देर रुक भी नहीं पाए, बारिश होने लगी फिर जल्दी जल्दी आना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे कपड़े भी डाल गए थे सूखने के लिए, आए तब तक भीग गए सारे कपड़े, जल्दी से उठाए आके। अब फिर कभी जाएंगे तब दिखाएंगे सही से, अभी तो सही से घूम भी नहीं पाए थे बारिश की वजह से। पिंसू भी गई, बोली आज आंटी चलते हैं, वहाँ जाके ना घूम पाई ना ही कुछ। पिंसू कुछ बोलो, पिंसू चने खाने में लगी। पिंसू बारिश में भींगना है, सारे कपड़े भीग गए थे, जल्दी जल्दी आए फिर कपड़े उठाए। और धूप है, देखो धूप लग रही है लेकिन बारिश हो रही, धूप में भी बारिश होती है, कोई पता नहीं चलता कब बारिश होने लगे। यहाँ से गए थे तब भी धूप थी हल्की हल्की, तो मैं सोचा कि चलो पहले मंदिर हो आते हैं फिर कुछ काम करेंगे। मंदिर गए वहाँ भी बारिश होने लगी जल्दी, बच्चे भी गए थे, अब बच्चे तो इतनी जल्दी चल नहीं पाएंगे, बच्चे भींग गए, जल्दी जल्दी आए फिर भी भींग गए बच्चे। अब हल्की हो गई है थोड़ी बारिश। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। पिंसू बाय करो, कुछ बोलो ना। पिंसु खाने में लगी है, तो तक लिए बाय बाय।